तेज। ये पता नहीं कौन सी नदी है। डिब्बे में रह गया मैं, वाले डिब्बे में आ गया। सो हेलो गाइस, व्हाट इज अप, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप देख रहे हैं यूटीवी और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नई वायरल वीडियो में, जो कि एक धमाकेदार वीडियो होने वाली है। अभी बजे है सुबह के 5 और आज का अपना जो प्लान है ना, अमृतसर जाने का प्लान है। अभी अपन मैं तैयार हो रहा हूँ, तैयार होके मोहित भाई अपना धर्मपुर में मिलेगा और वहाँ से अपन लोग जाएंगे बस पकड़ के सीधा चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अमृतसर, अमृतसर घूमेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ना, वो कभी अमृतसर गया है ना, मैं कभी अमृतसर गया हूँ, चंडीगढ़ से आगे अपन लोग। तो इसी के साथ अब अपन सोलन से पहुँच चुके हैं धर्मपुर। धर्मपुर में फिर से चिमकानी लेट हो गया, तो चिमकानी का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये सूर्य उदय हो चुका है और ये दिखा गया चिमकांडी आ रहा है, पता नहीं क्या पहन के आ रहा है। ये दिखिए, ओ भाई आप तो काले हो गए भाई, नमस्ते करो दर्शकों को, नमस्ते करो। कहाँ जा रहे भाई आप? सर अभी तो जा रहे हैं। तो इसी के साथ अपना चिमकांडी भी आ गया है। क्या बोल रही है पब्लिक? और पब्लिक कुछ नहीं बोल रही, पब्लिक चुप चाप है। अपन लोगों को बस मिल गई है धर्मपुर से, अब धर्मपुर से चले हम चंडीगढ़। धर्म पहले पंचकूला, फिर पंचकूला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मोहाली और मोहाली से जाएंगे भाई जी। कहाँ जाएंगे? अमृतसर का। इसी के साथ चंडीगढ़ की बात, चंडीगढ़ में हम प्रवेश करते हुए
मेहनत के बाद और चार पाँच घंटे मतलब 4 बजे का समय हो चुका है, 10 बजे हम चले थे, 3:50 हो चुके, कड़े संघर्ष के बाद अपन लोग पहुंच चुके हैं अमृतसर की धरती पर, हमने पैर रख लिया है। अब यहाँ से ढूंढते हैं जो अपनी मंजिल है, मंजिल जाने का रास्ता। सारी पब्लिक यहीं से जा रही है, पब्लिक को फॉलो नहीं करते, चलो करते आ जाओ, इनको पता है ना, हमारे को पता नहीं है। सारी पब्लिक यहाँ से बाहर जा रही है तो अपन लोगों को भी यहीं से जाना पड़ेगा, निकलने दो सबको यार। ये है अमृतसर का रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी हाई एंड से लिया गया है इस टाइम फोटो, इधर को है और उधर को भी है। तो इसी के साथ गाइस हम अमृतसर से बाहर तो निकल गए रेलवे स्टेशन से, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं लग रहा है, थोड़ा पता करके ही बताएंगे आपको कि कहाँ से किधर जाना है। बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह है, कबूतर यहाँ चढ़ करते हैं। तो गाइस क्या होता है ना कि यहाँ लिखा है गोल्डन टेम्पल की बस, तो यहाँ से जो गोल्डन टेम्पल की बस मिलती है वो आपको फ्री ले जाती है। उसके बाद बाहर से अगर बाहर से बसें लेनी है तो उसमें थोड़े पैसे लगते हैं। अब देखते हैं बस फुल हो गई है, क्या सिस्टम रहता है आगे का। तो गाइस अब हम रेलवे स्टेशन से अपन लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल के पास। तो जो बाकी के नज़ारे हैं ना ये आप देखेंगे आने वाली वीडियो में, नई वीडियो।